नमस्कार दोस्तों, मैं विष्णु प्रताप सिंह अपनी कंप्यूटर पाठशाला के इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प हो सके। फ्रेंड्स, ये हमारा टैली का वीडियो चल रहा है, टैली ERP 9 का, और टैली ERP 9 का हमारा लेक्चर 17 लेक्चर हो चुके हैं। आज का हमारा लेक्चर नंबर 18 है और फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है हमारा मटेरियल ट्रांसफ़र के बारे में कि मटेरियल हमें अगर एक गोदाम से दूसरे गोदाम में ट्रांसफ़र करना है तो हम कैसे करेंगे। तो फ्रेंड्स, इसमें आगे टैली में बढ़ने से पहले एक बार थोड़ा सा हम लोग सिलेबस चेक कर लेते हैं। ये हमारा सिलेबस है फ्रेंड्स, यहाँ पे आप लोग देखेंगे। इसके पहले जो हमारा लेक्चर हुआ था वो हमारा हुआ था गोडाउन क्रिएशन के बारे में। जो फ्रेंड्स इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं उन लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि इसके पहले जो गोडाउन क्रिएशन वाला लेक्चर है उसको ज़रूर देखें, क्योंकि हम इसी असाइनमेंट पे, गोडाउन क्रिएशन वाले ही असाइनमेंट पे हम बताएंगे मटेरियल ट्रांसफ़र कि एक गोदाम से दूसरे गोदाम में अगर हमें मटेरियल ट्रांसफ़र करना है तो हमें क्या करना होगा। तो फ्रेंड्स, आइए हम लोग टैली में चलते हैं और आगे देखते हैं। फ्रेंड्स, आप लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा था गोडाउन क्रिएशन के बारे में, तो हमारा वही लास्ट वीडियो वाला ही असाइनमेंट है। तो इसमें आइए हम लोग एक बार टेबुक चेक कर लेते हैं। डिस्प्ले में जाएंगे और यहाँ से डेबुक में जाएंगे। शॉर्टकट की इसका डबल डी है फ्रेंड्स। तो डेबुक में हमने ये एंट्री कर रखी थी, सबसे पहले हमने कैपिटल की एंट्री की थी, फिर बैंक डिपॉजिट हुआ था, अगेन विड्रॉल हुआ था, देन परचेज एंड सेल्स हुआ था। सेल्स 3 बार हुआ था, अलग अलग 3 हमने गोडाउन्स बनाए थे और उसमें से हमने सेल किया था। तो आइए अब एक बार गोडाउन्स चेक कर लेते हैं। स्टॉक समरी में जाएंगे, यहाँ से स्टॉक समरी में गए और यहाँ से LED TV प्रोडक्ट था हमारे पास, ऑल्ट F1 शॉर्टकट की प्रेस करेंगे। ये हमारा 3 गोडाउन था, एक हमारा लखनऊ है, लखनऊ में, जिसमें एंटर करके देख लेते हैं। 50 पीस हमने LED TV खरीदा था और 30 पीस हमने बेच दिया था, 20 पीस हमारे पास बचा हुआ है। इसी तरह से फ्रेंड्स सब में चेक कर लेंगे। कानपुर में हमारा 30 पीस बचा हुआ है, बाराबंकी में 40 पीस बचा हुआ है। अब सपोज फ्रेंड्स कि यहाँ पे हमारा जो सारे हमारे ही गोदाम हैं अलग अलग सिटीज़ में, अब सपोज मान लीजिए लखनऊ में हमारा 20 पीस है और अचानक से यहाँ पर बड़ा ऑर्डर आ गया, 30 पीस का ऑर्डर आ गया, और यहाँ पे 20 पीस है, 20 पीस ही है हमारे पास, 10 पीस शॉर्ट हो रहा है, और मैं देख रहा हूँ कि कानपुर में और बाराबंकी में हमारे पास स्टॉक है, तो हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, किसी भी शहर से, एक शहर से जैसे कानपुर से या बाराबंकी से, तो इसमें बेसिकली हमें ये देखना होता है कि कहाँ से हमें नियरेस्ट पड़ेगा और दूसरी चीज़ कहाँ पे स्टॉक हमारा कम सेल आउट होता है। तो फ्रेंड्स, बाराबंकी जैसे कि छोटा शहर है, यहाँ पे सामान कम सेल आउट होता है, जैसे कि आप देख रहे हैं 40 पीस बचा हुआ, सिर्फ 10 पीस ही सेल आउट हुए हैं। तो हम क्या करेंगे, बाराबंकी से अपने प्रोडक्ट को उठा के, LED TV को 10 पीस उठा के, या 15 पीस या 20 पीस जितना भी चाहें, वहाँ से हम उठा के अपने इस लखनऊ वाले में, यहाँ से हम उठाएँगे, यहाँ से बाराबंकी से उठाएँगे और लखनऊ वाले गोडाउन में हम मटेरियल को ट्रांसफ़र कर देंगे। तो फ्रेंड्स, इसको आइए हम लोग टैली में देखेंगे कि टैली में अगर हमें करना है तो ये कैसे करेंगे। तो टैली में करने के लिए हमें सबसे पहले जाना होगा गेटवे ऑफ टैली पे और अकाउंटिंग वाउचर में आएंगे, यहीं पे जहाँ से हम वाउचर एंट्री करते हैं। यहाँ पे आने के बाद हमें एंटर करना है। एंटर करने के बाद फ्रेंड्स हम चले जाएंगे वाउचर एंट्री में, और वाउचर एंट्री में जाने के बाद हम प्रेस करेंगे Alt प्लस F7 शॉर्टकट की। जैसे ही हम Alt प्लस F7 प्रेस करेंगे फ्रेंड्स, तो यहाँ पे क्या होगा, हमारे सामने एक स्टॉक जनरल का वाउचर आ जाएगा। ये देखिए, स्टॉक जनरल का वाउचर आ गया यहाँ पे। अब स्टॉक जनरल में 2 चीज़ें हैं आपका, ये देखिए यहाँ पे आपका सोर्स दिखाई दे रहा है, सोर्स कंजम्पशन, यानी कहाँ से हमें मटेरियल को उठाना है, और डेस्टिनेशन या प्रोडक्शन, किस गोडाउन में हमें मटेरियल को ट्रांसफ़र करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले नेम ऑफ आइटम है LED TV ले लेंगे, यहाँ से LED TV हमने चूज कर ली, ये आ गया।
अब यहाँ पे फ्रेंड्स गोडाउन ले लेंगे। गोडाउन हमें कहाँ से लेना है, बाराबंकी से लेना है। हमने गोडाउन ले ली बाराबंकी से। कितना पीस लेना है, सपोज 15 पीस हमें लेना है, 40 पीस थे, 15 वहाँ से लेस हो जाएगा और रेट जो रहेगा वो सेम रहेगा जिस रेट का था। एंटर करेंगे, अदर राइट साइड में आ जाएंगे, नेम ऑफ आइटम एलईडी टीवी ही ले रहे हैं। और किस गोडाउन में ले रहे हैं फ्रेंड्स, लखनऊ के गोडाउन में ले रहे हैं और 15 पीस आ रहा है सेम रेट से। एंटर करेंगे और इसको एंटर करके एक्सेप्ट कर देंगे। फ्रेंड्स एक बार फिर से समझ लीजिए, ये हमने एलईडी टीवी लिया, हमारा सोर्स यानी कि कहाँ से हमें लेना है, किस गोडाउन से ट्रांसफर करने के लिए लेना है। एलईडी टीवी बाराबंकी से हमने लिया 15 पीस, रेट वही कॉस्ट प्राइस रहेगा। और इसके बाद से डेस्टिनेशन यानी प्रोडक्शन कहाँ पे ट्रांसफर करना है, तो एलईडी टीवी ट्रांसफर कर रहे हैं लखनऊ में, ट्रांसफर कर रहे हैं, 15 पीस ट्रांसफर हो रहा है सेम रेट से और इसको हम एक्सेप्ट कर देंगे। एंटर एक्सेप्ट, फ्रेंड्स हमारा ये एक्सेप्ट हो गया। अब इसके बाद हम स्टॉक समरी आके चेक करते हैं, यहाँ से स्टॉक समरी पे गए, एंटर करेंगे, ऑल्ट F1 शॉर्टकट की प्रेस करिए और यहाँ पे देखिए बाराबंकी में हमारे पास 25 पीस बचा, कानपुर में 30 का 30 ही है और लखनऊ में जो 20 पीस थे ये बढ़ के हमारा 35 पीस हो गया। यहाँ पे एंटर करेंगे, यहाँ पे देखिए अब यहाँ 65 इनवर्ड बता रहा है और 30 पीस क्वांटिटी आउटवर्ड यानी सेल किया हुआ बता रहा है और 35 पीस बचा हुआ है। तो फ्रेंड्स इस तरह से हम लोग मटेरियल ट्रांसफर का वर्क करते हैं। हमारे वीडियो को सर्च करने के लिए youtube.com में लिखें टैली बाय विष्णु सर या अपनी कंप्यूटर पाठशाला जो कि चैनल का नाम है, ये डाल के भी आप सर्च कर सकते हैं। दोस्तों हमारा चैनल आ जाएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये वीडियो उन स्टूडेंट्स तक पहुंच सके जो पे करके सीखना अफोर्ड नहीं कर सकते। दोस्तों ये हमारी मेल आईडी दी गई है, कोई भी क्वेरी है आपकी इस पर मुझे मेल कर सकते हैं, वीडियो पर कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।